हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल लखनऊ। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों की दीपावली शुभ हो और सुरक्षित हो। अक्सर ये देखा गया है कि दीपावली के समय थोड़ी सी लापरवाही होने की वजह से बर्न की या ब्लास्ट की बहुत सी दुर्घटनाएँ हो आती हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ को, आपके चेहरे को या आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। तो इसी बारे में हम आपसे बताएंगे कि आपकी दीपावली सुरक्षित कैसे हो। सबसे पहली बात, आतिशबाजी या पटाखे किसी खुली जगह पर करें, घर के अंदर कतई न करें। आप जब भी कहीं पर आतिशबाजी कर रहे हो तो ध्यान रखें कि वहां पर एक भरी बाल्टी पानी जरूर होना चाहिए। जब भी आप पटाखे बजाएं उस समय आपके कपड़े सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, ऊनी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े पहने। ऐसा पाया गया है कि कुछ पटाखे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे मिट्टी वाला अनार और सुतली वाला बम, तो ऐसे पटाखों से दूर रहें। कोशिश ये करें कि पटाखों के नज़दीक जाकर के पटाखे न बजाएं। किसी लकड़ी में लंबी मोमबत्ती या अगरबत्ती लगा करके दूर से पटाखों में आग को लगाएं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ पटाखे फुस निकल जाते हैं, उनको आप आग लगा करके आते हैं बट वो जलते नहीं हैं, और लालचवश आप कोशिश करते हैं कि उन पटाखों को फिर से बजाया जाए, तो आप उनको हाथ से पकड़ करके उनको देखने की कोशिश करते हैं। याद रखें, कोई भी पटाखा आपके हाथ और आपके चेहरे या आपके शरीर से कीमती नहीं होता है। तो कृपया जो फुस पटाखे निकल जाते हैं उनको फिर से बजाने की या उनको इंस्पेक्ट करने की कोई कोशिश न करें। इस तरह से अधजले या फुस पटाखे होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के उनको बिल्कुल से बुझा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात, दीपावली दियों का त्यौहार होता है तो हमेशा हम सभी लोग, घर वाले लोग दिए की पूजा करते, दिए के साथ पूजा करते हैं, तो उस समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां हम आपको बता रहे हैं। कोशिश ये करें कि दिए को जमीन पर रखने के बजाय थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो सके। और जब भी आप दिए के आसपास पूजा कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि हमारे घर की महिलाएं और बहनें या तो घेरदार कपड़े पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं जिसका पल्लू लटकता रहता है, या कुछ सूट पहनती हैं जिसका दुपट्टा लटकता रहता है। ध्यान रखें, अक्सर ये देखा गया है कि दीपावली के समय जब दियों के साथ हम पूजा करते हैं तो इसी पल्लू और दुपट्टे में आग लग जाती है और बहुत दुर्घटना हो जाती है। तो याद रखें, अगर इस तरह से घेरदार कपड़े हैं या पल्लू दुपट्टे, तो उसको बांध करके रखें और अत्यधिक सावधानी बरतें। किसी भी दशा में, चाहे पटाखे से, चाहे अनार से, या कभी दिए से, किसी भी तरीके से गलती से कोई दुर्घटना अगर हो भी जाती है तो पानी को जरूर याद रखें। याद रखें, आग का उल्टा हमेशा पानी होता है, सादा पानी। इमीडिएटली बिना किसी डिले के जले हुए स्थान पर आप तुरंत पानी डालें। अगर शरीर जला हुआ है तो मग्गे से या बाल्टी से या ग्लास से पानी डालें। अगर आपका हाथ जला हुआ है तो उसको नल के नीचे, बेसिन के नीचे या किसी भी तरीके से उसको तुरंत 5-7 मिनट के लिए पानी डालें। याद रखें, पानी की वजह से जलन कम होगी, आपके शरीर को नुकसान बहुत कम पहुंचेगा। जो आपका बर्न हुआ है उसकी डेप्थ, उसकी सीरियसनेस काफी कम रहेगी। पानी डालने के बाद किसी न किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह तुरंत लें और किसी नजदीक के अस्पताल में जाकर के दिखाएं। धन्यवाद। आपकी दीपावली शुभ हो और सुरक्षित हो।